झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के मंत्री हफीजुल हसन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जेवीएम समझकर वोट दिया था और वह भाजपा में जाकर मिल गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के साथ गद्दारी किया है। जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया था बल्कि जेवीएम को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि हमें 6 से 7 सीट पर जीत दर्ज करनी है, तभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से निकाला जा सकता है। मंत्री हफीजुल मंगलवार की देर शाम जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दुमका संसदीय क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नलिन सोरेन, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के लोग उपस्थित थे। मौके पर मंत्री हफीजुल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन भाजपा को डिस्टर्ब नहीं करें, इसी वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। अगर हम सीट जीतते हैं तभी हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकाल सकते हैं और यही हमारा बदला होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की ताकि महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो सके। वहीं तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन को अच्छी बढ़त मिल रही है और इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है तो हमारी ही सरकार बनेगी। ये लड़ाई हम अगर 5-6 सीट 7 सीट अगर जीत जाते हैं तो हेमंत बाबू को हम आराम से निकाल सकते हैं। हेमंत बाबू को डाला ही गया है इसलिए कि लोकसभा चुनाव में वो डिस्टर्ब नहीं किया, सीधा सीधी बात, और कोई उसमें ये किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी का नाम आपने रसा था, ये तुम लोग कैसे धोखा दे सकते हैं? जो वोटर हमको वोट दिया है उसके विपरीत हम कैसे जा सकते? हम बाबूलाल मरांडी तो है भोकनी जी ने जगरा बोले ठीक भोकनी जी ने घर वहां से बोले वकरा ले गए बीजेपी, वहीं खत्म हो गया कहानी। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोला जाता है, सीनियर है मेरा वो, लेकिन वो भी गद्दारी किए। जेवीएम से उसको कुनिया वोट दिया और सारा जात वोट दिया, आदिवासी वोट दिया, ये सोच के कि ये जेवीएम में है, ये नहीं सोचे थे कि बीजेपी में चल जाए। समय बहुत है और मेरे यहाँ दो गार्जियन है, ये भी अपना दिशा निर्देश देंगे, लेकिन ये दिशा निर्देश देंगे, काम हम लोग को करना है। न्यूज विंग के लिए जामताड़ा से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।